नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। भाइयों, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक हादसा हो गया था, जो ये आप घर देख सकते हैं। इसमें किसी ने या पता नहीं कैसे आग लग गई थी, तो इनके 8 पशु थे वो जल गए थे, ठीक है। उसमें से 5 मर चुके हैं और 3 भी अभी तीन पशुओं की हालत अभी ऐसी बनी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने कहा, विकास भाई इनकी दोबारा से वीडियो बनाओ और इनका हम सहयोग करेंगे। तो आज हम आपकी बात यहाँ के ग्रामीणों से करवाएंगे और इनकी किन किन लोगों ने हेल्प की है आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, जैसे हमने एक हफ्ता पहले आपकी वीडियो बनाई थी, तो तीनों गाँव ने मिलकर आपका कितना सहयोग किया, आज वो हमें बताइए। 1,00,000 कर सहयोग करा तीनों गाँव ने। सिकंदरपुर, गढ़वाड़ा, रामेपुर, तीनों गाँव। 1,00,000 रुपए का सहयोग। सरकार से कुछ सहयोग मिला? अभी तो नहीं मिला। अच्छा, जैसे कि हम अभी तक टोटल मदद कितनी हो चुकी है, कितनी धनराशि मिली? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए मिल चुके हैं। अच्छा, जो यहाँ के स्थानीय नेता है उन्होंने भी कुछ मदद की आपकी? इसी में है, ये इसी में। विकास भाई में पढ़ा तो है, डंगर ढोरी चुका है। अच्छा, भाई साहब बताइए। चलो भाई साहब आप बताओ। हाँ भाई साहब आप बताओ जी। भाई साहब पूछो, इसे यहाँ रखो है। हाँ जी, ठीक है। हाँ भाई साहब बताओ, तो क्या कहना चाहेंगे? तीनों गांव ने तो मदद कर दी, पर ये बता रहे इनका नुकसान 5-6 लाख का है। नुकसान जी ने क्या, 8 पशु थे। 8 पशु, आप सोच लो, मतलब 1,00,000 का भी लगाओ तो 8 लाख का, पर चलो छोटे 6-7 लाख का नुकसान हो। हाँ। और तीनों गांवों की मतलब अगर मदद जोड़ी जाए और जो नेता है उनकी मदद जोड़ी जाए, हाँ, तो लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास इनके पास हुए। 1,00,000 रुपए। अब गरीब आदमी जी, ब्याज पर कैसा घर का पता नहीं है। पशु लिए थे इन्होंने, आग लग गई तो नुकसान की तो भरपाई हो नहीं पाई, नुकसान ज्यादा जी। अच्छा जी। आग का कुछ कारण पता लगा? किसी ने जानबूझ के लगाई है अपने आप? आग का भी अभी तक सही कारण कुछ नहीं पता चल पाया, क्योंकि ये तो खेत गए हुए थे। अच्छा, कोई भी यहाँ से मौके पर नहीं था, इस अच्छा, वजह से कोई कारण नहीं पता चल पाया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे जो दर्शक हैं आप क्या कहना चाहोगे? तीनों गाँव ने मदद कर दी जितना हुआ, ठीक है। ये वीडियो मैं दोबारा इस वजह से बनाने आया हूँ, जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने बोला विकार भाई इनका नंबर वगैरह दे देना, वो तो हम आज दे ही देंगे। ये दो तीन पशु है, क्या लग रहा है ये बच जाएंगे? इनकी हालत भी सीरियस है, मुश्किल ही है। अच्छा, तीनों की हालत सीरियस है बहुत ज्यादा, देख लो जी। ठीक है जी, तो भाई साहब आप मदद चाहते हैं इनकी? हाँ जी, मदद ही चाहिए। हम तो गरीब आदमी, इनकी मदद हो जाए। हमारे तीन गांव हो, जिला मुजफ्फरनगर में आते हैं, जितनी मदद इनसे हुई सभी ग्राम वासियों ने इनकी मदद करी। अच्छा। अब हम तो यहाँ जितने भी युवा भाई है, जितने भी जुड़े हुए आपके चैनल के माध्यम से, इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करो। जो भी हो किसी पर 10-20-100 जितने भी हो इनकी मदद कर दो। मतलब 10-20 रुपए का सहयोग भी आपके चैनल से, यही विनती यही रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद हो जाए। अच्छा, चलिए भैया, पेटीएम नंबर है इन पे कुछ? हाँ जी, दे देंगे पेटीएम नंबर। इनका लड़का है, उनका नंबर दे देंगे। नंबर बताओ अपना, पेटीएम नंबर बताओ, मैं लिख दूंगा। विशाल भाई ना नंबर दे दो आप, बताओ अपना वो बताओ, फोन पे नंबर। इसे तो घर ऊपर वो 89-54-52-85-27-27। अच्छा, क्या नाम से आओगे फोन पे? यो पवन कुमार। पवन कुमार के नाम से। हाँ जी। बैंक अकाउंट हो तो बैंक अकाउंट भी बता दो। बैंक अकाउंट है रखा हुआ। चलो मुझे बता देना, मैं इस पर डाल दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब बताओ। साथ जोड़ने देना है जी, हमारी कितनी मदद करी जी। हम तो ब्याज पे डंगर लिए थे हमने जी, ब्याज वाले छोड़ देंगे इतनी इंसान है, पर असल तो देना पड़ेगा। आप कितनी मदद करिए हमारी, बहुत हम बहुत गरीब आदमी, वो कितनी मदद हो इतनी करियो, हमें तो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, मदद करेंगे। देखो कितने ग्रामीण भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1,00,000 रुपए की मदद कम नहीं होती, छोटे से गांव है हमारे, ठीक है। तीनों गांव ने सहयोग करा है। अच्छा अच्छा, बहुत चलिए धन्यवाद। तो भाइयों, ये वीडियो हमने आपके कहने पर दोबारा बनाई है, तो आपका फर्ज बनता है, आप इनके अकाउंट में जो भी सेवा हो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। ये गाँव सिकंदरपुर है, परगना भुकरेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक मोरना, ठीक है जी। तहसील पड़ती है जानसठ। ऐसा नहीं है कि आपको पेटीएम ही करना, अगर आप यहाँ इनके हालात देखने आना चाहते हैं तो यहाँ आकर भी आप इनको पेमेंट वगैरह या जो भी आपको आपसे बने मदद कर सकते हैं। और इनका गुड्डू जी इनका नाम है, ठीक है। पैसे से मजदूर है बेचारे, ने ब्याज पे लेके 4-5 पशु बांधे थे, ठीक है ना। पता नहीं कैसे आग लग गई। इनका जो काम है वो मजदूरी करना है और दूध बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन भाई की मदद करें। 10 रुपये, 20 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी हो, ठीक है, इनकी मदद करें। धन्यवाद।